हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक स्टेटस एंड रोल थोड़ा सा बड़ा होने वाला है ये टॉपिक, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। मैंने कोशिश करी है कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपके वो सारे एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो उसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देना करते हो, जल्दी से शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं कि स्टेटस क्या है। स्टेटस एक तरीके का होता है कि एक सोसाइटी में किसी भी पर्सन को जो एक स्थिति प्रदान की जाती है वो ही उसकी स्टेटस कहलाती है। जो ये वर्ड है स्टेटस, इसको सबसे पहले अरस्तु ने यूज़ किया था अपनी बुक में, बट इसको जो वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग किया वो थे आपके रॉल्फ लिंटन। इन्होंने इसको वैज्ञानिक रूप में प्रयोग किया। अगर हम बात करें इसके डेफिनेशंस की, तो लिंटन ने बोला है कि किसी व्यवस्था में किसी व्यक्ति विशेष को जो स्थान प्राप्त होता है वही परिस्थिति है उसकी। किंग्सले डेविस ने बोला कि परिस्थिति किसी भी संस्थागत व्यवस्था में किसी पद की सूचक होती है। आकबर्न और निमकाफ ने कहा कि परिस्थिति किसी भूमिका और भूमिकाओं के संकलन द्वारा समूह द्वारा निर्दिष्ट क्रमबद्ध पद को प्राप्त करना है। वहीं पे इलियट और मेरिल ने बोला था कि परिस्थिति और भूमिका एक ही सिक्के के दो पहलू है, मींस कि स्टेटस एंड रोल एक ही सिक्के के दो पहलू है अकॉर्डिंग टू इलियट एंड मेरिल। विरस्टिड ने बोला था कि समाज जो है सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है विरस्टिड की, समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। अगर हम बात करें कि परिस्थिति के प्रकार, तो लिंटन ने मिली तीन टाइप बताए हैं, प्रदत्त, अर्जित और काल्पनिक परिस्थिति। प्रदत्त क्या होती है? जो हमें जन्म से ही मिलती है। सपोज हम किसी के लड़के हैं, किसी की लड़की हैं, तो वो हमने जन्मजात ग्रहण कर लिया। किसी के भाई हैं, किसी की बहन है, तो जो जन्म से मिल गया वो प्रदत्त हो गया। अर्जित क्या है? अभी हम टीचर बन गए तो वो हमने खुद से अपने एफर्ट के द्वारा अर्जित किया, तो वो हो गई अर्जित। काल्पनिक परिस्थिति क्या होती है? कि हम हैं नहीं, बट हम सपोज हम कल्पना कर ले, मन में मान ले कि हम ये हैं, हम ये बनना चाहें, तो वो हो गई हमारी काल्पनिक परिस्थिति। यानी कि इच्छा के अनुसार हमने कल्पना कर लिया कि हम ये हैं या फिर ये पर्सन हमारा ये रिश्ते में लगता है। सपोज किसी किसी को हम अंकल बोल देते हैं, वो है नहीं बट हमने कल्पना कर ली, तो वहां पे ये हो गया काल्पनिक परिस्थिति। किंग्सले डेविस ने तीन टाइप बताए परिस्थिति के, ऑफिस, स्थिति संकुल और स्तर, या फिर इसको स्त्रत भी बोलते हैं। ऑफिस क्या होता है? एक विशेष परिस्थिति होती है किसी भी पर्सन की जो कि उसको सोसाइटी में मिली होती है, जैसे कि आपके मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या जो बहुत ही विशेष टाइप की विशिष्ट जो परिस्थितियां होती हैं वो हो गई आपकी ऑफिस में। बहुत सारे ऑफिस को मिला करके बनता है एक संकुल, यानी कि स्थिति संकुल। और इन सभी का जो क्रमबद्ध, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जो हमको मिलता रहता है, इसी को हम बोलते हैं स्तर। यानी कि एक तरीके की हायरार्की, अपर से लोअर की तरफ जो होती है दैट इज हायरार्की। अब आ जाते हैं रोल पे। तो रोल यानी कि भूमिका, इस शब्द को सबसे पहले यूज किया था जीएच मीड ने, लेकिन इसको भी वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग किया है रॉल्फ लिंटन ने अपनी बुक में। इनकी जो मीड की बुक थी ये थी माइंड एंड सोसाइटी, इसमें इन्होंने सबसे पहले जो रोल वर्ड है इसको दिया था। अगर हम बात करें परिभाषाओं की, तो किम्बल यंग ने कहा कि व्यक्ति जो कार्य करता है वही उसकी भूमिका है, जबकि डेविस ने कहा कि वो कार्य जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी परिस्थिति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, मींस कि वो कार्य जो परिस्थिति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं वही उसकी भूमिका है। रॉल्फ लिंटन ने कहा कि एक परिस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति जो कार्य करता है वो उसका पद या फिर भूमिका है। अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है रोल सेट एंड मल्टीपल रोल। दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके मर्डर ने दिए हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग से कॉन्सेप्ट है रोल सेट एंड मल्टीपल रोल। यानी कि इसको बोलते हैं बहुविधि भूमिका और इसको बोलते हैं भूमिका पुंज। भूमिका पुंज क्या होता है, यानी कि रोल सेट क्या है? सपोज दैट कि कोई एक पर्सन और उसकी बहुत सारी भूमिकाओं की गठरी, दैट इज रोल सेट। जैसे कि मैं हूं और मैं अभी अपने पापा की लड़की हूँ, साथ में किसी की बहन हूँ, साथ में स्टूडेंट हूँ, साथ में टीचर हूँ, मीन्स की एक तरीके की गठरी बन गई रोल्स की, दैट इज रोल सेट। अब मल्टीपल रोल क्या हो गया? एक पर्सन की एक परिस्थिति है लेकिन उसको उससे संबंधित बहुत सारे लोगों से संबंध रखना पड़ता है। सपोज कि कोई डॉक्टर हो गया
और वो डॉक्टर तो एक ही है, उसकी परिस्थिति एक ही है, लेकिन उसको अपने मरीजों से, अपने कंपाउंडर से, अपने मरीजों के परिवार वालों से, सभी से संबंध रखना पड़ेगा। या फिर कोई टीचर है तो वो टीचर की परिस्थिति तो एक ही है, लेकिन उसको अपने स्टूडेंट्स से, अपने जो स्टूडेंट्स के फादर हैं, जो उनके जो स्टाफ के मेम्बर्स हैं, उन सभी से संबंध रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ही परिस्थिति होती है और उसके बहुत सारे रोल आ जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारी जो अलग अलग रोल हैं वो हो जाते हैं रोल सेट में। ये दोनों मर्टन के कॉन्सेप्ट थे। अब हम बात करते हैं रुग्ण भूमिका, ये क्या होती है। इसको सबसे पहले दिया था एंडरसन ने, बाद में इसको यूज किया पार्सन्स ने। रुग्ण भूमिका क्या होती है कि कभी कभी व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और वो बीमारी के कारण अपनी जो भूमिका है वो सही तरीके से नहीं निभा पाता। सपोज मैं बीमार पड़ जाऊं, मैं सही से टीचिंग ना कर पाऊं, तो वहां पे हो जाएगा रुग्ण भूमिका। भूमिका पालन मींस कि जब जो भी भूमिका हमको दी जा रही है उसको ठीक तरीके से हम पालन करें। आप स्टूडेंट हो तो आपकी भूमिका क्या है कि आप ठीक तरीके से पढ़ाई करो, आप उसको कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप भूमिका पालन कर रहे हो या कि वो भूमिका निर्वाह कर रहे हो। भूमिका ग्रहण बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मीड ने दिया था। इसमें क्या होता है कि हम किसी की भूमिकाओं को देख करके उनको सीखने की कोशिश करते हैं, उनको निभाने की कोशिश करते हैं, दैट इज भूमिका ग्रहण। अभिनय की भूमिका, जब हम वैसे होते नहीं है लेकिन सिर्फ हम अभिनय करने लगते हैं कि हम ऐसे हैं। सपोज किसी ने रावण का किरदार निभा लिया तो वास्तव में वो वैसा नहीं है बट वो अभिनय कर रहा है, ये काउट ने दिया था। भूमिका वंचना, कभी कभी क्या होता है कि हमें एक भूमिका को पाने के लिए जो दूसरी भूमिका है उसको छोड़ना पड़ता है। अगर आपको जो मैरिड लाइफ है उसको जीना है तो आपको जो पहले की एक भूमिका है उसको छोड़ना पड़ेगा, तो एक भूमिका से आप वंचित हो जाओगे, दैट इज जॉन पियाजेट। फिर आपको टीचर बन गए तो आपको स्टूडेंट वाली भूमिका छोड़नी पड़ेगी। भूमिका संक्रमण क्या होता है, जब हम एक भूमिका से दूसरी भूमिका की तरफ जाते हैं तो बीच का एक गैप हो जाता है, दैट इज भूमिका संक्रमण, जो कि दुर्खीम ने दिया। भूमिका बाधा, ये दी है किर्क ने। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी कारणवश हम भूमिका निभाना तो चाहते हैं, हम काम करना तो चाहते हैं लेकिन उसमें बाधाएं आने लगती। सपोज मैं पढ़ाना चाहूं, वीडियो अपलोड करना तो चाहूं बट नेटवर्क ठीक तरीके से ना हो और मैं उस काम को ना कर पाऊं, तो ये किर्क ने बताया। भूमिका दूरी, ये गॉफमैन ने बताया था। क्या होता है कि हम कभी कभी बहुत ऊब जाते हैं किसी भी काम को करते करते, हमारी जो भूमिका होती है उसको करते करते हम बहुत ऊब जाते हैं एंड फिर हम उस भूमिका से थोड़ा सा दूर होने लगते हैं या उसको ठीक तरीके से नहीं निभाते हैं जो कि हमारा काम है, तो वो हो जाएगा हमारा भूमिका दूरी। भूमिका तनाव, विलियम जे गुडे ने दिया था। ये क्या होता है कि दो भूमिकाओं के मध्य हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम इसको चूज करें या इसको चूज करें। अगर जैसे कि हम जज बन जाएं और हमारा लड़का चोर हो तो अब हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हम जज की भूमिका निभाएं या एक पिता की, तो यहाँ पे एक तनाव की स्थिति आ जाती है। निर्धारित भूमिका, एक जो सांस्कृतिक तरीके से निर्धारित की जाती है सांस्कृतिक मानदंडों के आधार पर। सपोज होली है तो आपको कलर खेलना ही खेलना है, ईद है तो आपको गले मिलना ही मिलना है, तो ये न्यू कॉम बने दी। भूमिका प्रत्याशा, ये भी न्यू कॉम बने दी है जिसमें कि हमें पहले से ही ये एक तरीके की अपेक्षा की जाती है हमसे कि अगर हम टीचर हैं तो हम पढ़ाएंगे, स्टूडेंट हैं तो हम पढ़ेंगे। मीन्स कि एक हमसे पहले से ही एक प्रत्याशा, एक अपेक्षा की जाती है, दैट इज भूमिका प्रत्याशा। भूमिका संघर्ष, मर्टन ने दिया था। ध्रुवीय भूमिका या ध्रुवीय परिस्थिति, ये कॉन्सेप्ट कभी कभी दो भूमिकाएं जब आपस में जुड़ी हुई होती हैं तो होता है, ये ईटी हिलर ने दिया था। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगी कि उसको क्लियर करने की। वीडियो देखने के लिए थैंक।